क्राइम ब्रांच के पहले एक महाराष्ट्र साइबर में भी इस सिलसिले में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, और क्राइम ब्रांच के ऑफेंस के बाद दो ऑफेंसेस मालवणी पुलिस स्टेशन में इंडिविजुअली दाखिल किए हैं विक्टिम्स ने, और एक लोनावला पुलिस स्टेशन में भी एक ऑफेंस इसी प्रकार का दाखिल है। सुनाई नहीं दिया प्लीज। अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। वीडियोस की संख्या तो काफ़ी है। अभी मॉडल्स अभी आपके जरिए वी वुड अपील टू द विक्टिम्स जो इसकी अगर विक्टिमाइज हुई है तो दे कैन कम फॉरवर्ड टू अस। उन्होंने सामने आए, क्राइम ब्रांच मुंबई को कॉन्टैक्ट करें, विल टेक एप्रोप्रिएट कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अक्सर जनरल कॉन्टेंट कॉन्टेंट क्रिएशन और पब्लिशिंग Yes. It was investigation is a process. During investigation, there were certain hitches, but we overcame those hitches. And in the fresh office search that we conducted yesterday, we found lots of incriminating evidences based on which we arrested them. What were those hitches? Because the charge sheet was filed in April only, which had the chats, which you guys have said evidence. Many electronic evidences also to be proven. Some accounts were to be verified, transfer of money and real ownership of the accounts and the content and the publisher was to be verified beyond doubt before we could take some coercive action. Yeah, there are some leads into that. That was account to account transfer also. Electronic transfer of money. Yeah. Vian hai? Arms Prime, yeah. Sir, there was another claim that the company was already sold, or these rights were already sold to Pradeep Bakshi. So what about the claim of Raj Kundra that he was not having any ownership or any direct involvement in the hot shot at the time when he was? We will certainly verify this. But as I said, this is an ongoing offence for quite a few months. This complaint has been there for at least an year or two. Was there any involvement of Raj Kundra even after his claim of being rights sold to Pradeep Bakshi? Operations were all looked after by his company only. Yesterday's search has shown all the electronic evidences recovered from his own office. Sir, have we been able to establish something on these lines that because of the lockdown, this business actually bloomed more in the lockdown year? I mean, that's a genuine distinction. That is for the people to decide. We'll have to go through the accounts as to how many subscriptions is there any increase in the number of subscriptions. We'll definitely go through that. February 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवणी पुलिस स्टेशन के अंडर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं।
ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा, वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक रादर कल तक क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोवा खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर दी इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाइप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के ज़रिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से, मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अभी इसमें हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोग्रेस। थैंक यू।